पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अरे दादी, पलकी आई नहीं अब तक? गर्म पानी लेने गई थी ना। अरे वो तो सब बहाना था उसका, शर्मा रही थी वो। शर्मा रही थी और कुछ नहीं है, सच में। क्या देख रहे हो? मैं साड़ी चूज कर रही हूँ। ये वाली कैसी है? ये अच्छी है। ये क्या बात है मम्मी जी? क्या बातें हो रही है काव्या के साथ? अरे साड़ी चुन रही हूँ मैं इसकी शादी के लिए। ओ, खुद के लिए? क्या बात है, आप भी देख लो, सिलेक्ट कर लो। भाई मैं तो बाद में सिलेक्ट करूंगी, तू पहले मेरी बात सुन ले। तू वरुण को फोन कर और उसे बोल कि तुम लोगों की शादी में वरुण के मम्मी जी को बहुत डांस करना है। भाई उनके घर की पहली शादी है, अगर वो डांस नहीं करेंगी तो मजा कैसे आएगा, रौनक कैसे आएगी शादी में, है ना मम्मी जी? बिल्कुल। काव्या को देखो, यू नो समथिंग, जब भी इसके इन-लॉज की बात होती है ना, काव्या का फेस ऐसे ग्लो करने लग जाता है। हाँ, बेचारी इस घर में बहुत दुखी है, उसे बहुत तंग करते हैं ना। दादी हाँ। छेड़ो मत आप मुझे। अरे मैं तो छेड़ूंगी, तू छिड़ती क्यों है? जब भी मैं देखती हूँ ना, ससुराल की बात होती है तो इतनी खुश हो जाती है जैसे यहाँ पर बड़ा ही दुख देते हैं हमें। हाँ, हमने तुम्हें बहुत दुखी रखा है काव्या। काबू, क्या हम तुझे इतना तंग करते हैं? You're happy ना? I'm happy, I'm very happy. तो फिर जाना क्यों है? भाभी, वरुण के पास जाना है। आप लोग ना मुझे तंग कर रहे हो। उसी के लिए तो बैंगलोर से आई थी। अरे शनाया, उतर आजा, तू भी हमें ज्वाइन कर ले। तुम ना यहाँ रुको, मुझे तुमसे ना एक जरूरी बात करनी है। अब मुझे पता है कि तुम और शौर्य एक दूसरे से प्यार करते हो। अक्सर ऐसा होता है, अगर दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करना तो बनता है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे शौर्य से शादी करना चाहती हो? वो लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम तो किसी को बहुत चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं चाहते। मेरा मतलब है कि शौर्य मुझे प्यार नहीं करता, ही डजंट लव मी। मुझे पता है तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से जाके बड़ी मॉम से मिलूं और उनसे वो सब कहूं जो तुमने मुझे कहा है उनसे कहने के लिए, उन्हें जाकर मनाऊं और ताकि जल्दी से बात बन जाए। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे समझाऊं। तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं, तुम ना मेरी बात समझो। और एक और बात, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम लोग ना बहुत स्मार्ट हैं, ओके? है ना भाभी? बिल्कुल। और मैं ओवर स्मार्ट हूँ। मैं ना जरूर बोल रही हूँ क्योंकि शौर्य ने बोला है कि ना बोल दो, पर ना ऐसे बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये फील करा दूँ कि मैं उसे चाहती हूँ, और वो तो मुझे मुझसे भी ज्यादा चाहता है। तो हो गई ना, मैं सुपर स्मार्ट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।